सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, हम आपके निकट आते हैं प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपकी शांति को मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, हो तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। धन्यवाद यीशु आपके सुंदर नाम के लिए, जिस नाम के द्वारा हम चंगे होते हैं, जिस नाम के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, हम आपके अनुग्रह के लिए, आपके सामर्थ के लिए धन्यवादी हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की, और जितने मेरे साथ इस घड़ी जुड़े हुए हैं आप सबों का इस आराधना में स्वागत है, चर्च ऑफ फेथ की आराधना में, चंगाई सभा में स्वागत है। और इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबों को शांति दे, आपके जीवन में अपने अनुग्रह को दे, और
जिस तरह से हम सब जानते हैं ये समय है, एक छोटी प्रार्थना होगी, एक प्रार्थना के द्वारा हम इस आराधना में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हमारे साथ परमेश्वर के दास सुधांशु हैं जो आपकी अगुवाई करेंगे वचनों के द्वारा, वो परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचाएंगे और आप जान पाएंगे किस तरह से यीशु मसीह हमारे जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट करते हैं, आप जान पाएंगे वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं और साथ ही हम कुछ गवाहियों को भी सुनेंगे जिनका हमने प्रिंटआउट्स निकाला है और वे ही गवाहियाँ जो लोगों ने इस सेशन में जुड़कर अपने जीवन में कई तरह के चंगाइयों को प्राप्त किया है, कई तरह के आश्चर्य कर्मों को उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया है और लोगों ने उन अनुभव को उन बातों को यहाँ वो टाइप किए हैं जो बीते सेशंस में लोगों ने टाइप किए हैं और हमने उनका प्रिंटआउट्स निकाला है। और यदि आप और भी गवाहियों को सुनना चाहते हैं, और भी अधिक प्रभु यीशु मसीह के कामों को जानना चाहते हैं कि वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आप हमारे बीते बैक सेशंस में जाएं और रिकॉर्डिंग्स हैं, आप उन आराधना को फिर से खोलें और सुने किस तरह से यीशु मसीह लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर सामर्थी हैं और वो आपके लिए भी आज काम करेंगे। और जितने हैं इस घड़ी जुड़ चुके हैं सब अपने स्थानों में स्थिर हो जाएंगे, हम अपने आँखों को बंद कर लेंगे और एक प्रेयर के साथ, एक प्रार्थना के साथ हम इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। अपने आँखों को हम सभी बंद कर ले। प्यारे प्रभु यीशु, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर आज की संध्या वेला के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर माध्यम के लिए जो प्रभु आपने हमें फ़ोन के ज़रिए दिया कि प्रभु हम अपने लोगों तक पहुंच पाएँ। प्रभु हम यीशु एक मन एक चित्त होकर आपके सम्मुख आ पाएँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी कई एक लोग जो पहली दफ़ा भी इस आराधना से जुड़ रहे हैं मेरे नासरी, प्रत्येक को आप इस घड़ी अपने लहू से धो दीजिए मेरे यीशु मसीह। जितने इस आराधना में शामिल हो रहे हैं हर एक के ऊपर अपना छिदा हाथ रख दीजिए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि आपके सामर्थी हाथ में चंगाई है, आपके सामर्थी हाथ में सफलता है, आपके सामर्थी हाथ में भरपूरी है मेरे नासरी यीशु। इस घड़ी लोग प्रभु आपके अनुग्रह को चाहते हैं, बड़े विश्वास के साथ वो इस आराधना में शामिल हो रहे हैं। आपका वचन कहता है प्रभु जहां दो या तीन आपके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां आप उनके बीच में उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने वायदों के सच्चे परमेश्वर हैं मेरे नासरी यीशु। हम धन्यवाद करते हैं कि जब हम आपके सम्मुख आ रहे हैं प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में हैं और प्रभु आपने हमारे बीच में अनोखे कामों को प्रकट किया, कामों के जरिए आपने ये प्रकट किया कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। उसी अनुग्रह को फिर से हम मांगते हैं और मांगते हैं प्रभु जितने इस आराधना में जुड़ते हैं प्रत्येक के जीवन में आपकी उपस्थिति होने पाए, प्रत्येक के परिवारों में आपकी उपस्थिति होने पाए। जो दुख और तकलीफों में घिरे हुए हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो असफलताओं में हैं, रोग और बीमारियों में पड़े हैं, मृत्यु की शैया में पड़े हैं प्रभु, हर एक पर आपकी ज्योति चमकने पाए मेरे यीशु मसीह। आप हमारे जीवन की रोटी और जीवन का जल हैं और जो आपके पास आते वह तृप्त होते हैं। अपने वचन को बड़े सामर्थ के साथ उंडेल दीजिए और मांगते हैं आपके दास सुधांशु को अभिषेक कीजिए कि जब आपके वचनों को लोगों तक पहुंचाते हैं मेरे नासरी यीशु, एक एक वचन निर्माणकारी होने पाए, एक एक वचन प्रभु लोगों के जीवन से हर एक तरह के अंधकार के युक्तियों को दूर करने पाए, लोग अंधकार से ज्योति में आने पाए, उनके बंद आंखों को खोल दीजिए। जब वे आपके वचनों को सुनते हैं उनके कानों को खोल दीजिए यीशु मसीह, ताकि एक एक वचन उनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे जाने पाए। महान परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा लोगों के जीवन में अनोखे कामों को प्रकट कर रहे हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हर एक अविश्वास की बातों को यीशु नाम से दूर करते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु नाम से दूर करते हैं, हर एक तरह के
रुकावटों को, गड़बड़ियों को यीशु नाम से दूर करते हैं। जो प्रभु आपके लोगों को आपके संगति में बैठने से रोकते उन बातों को यीशु नाम से हम दूर करते हैं। महान परमेश्वर अपने लोगों के लिए मार्ग बनाइए और प्रत्येक स्थानों में जहां से वे जुड़े हुए हैं प्रभु, बहुत सारे लोग अपने परिवारों के संग हैं, बहुत सारे लोग अकेले इस आराधना में जुड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह आप प्रत्येक पर अनुग्रह कीजिए और महान परमेश्वर कोई भी खाली हाथ प्रभु आपके दरबार से लौटने ना पाए, परंतु हर एक प्रभु आपके आत्मा के द्वारा भरपूरी को प्राप्त करने पाए। महान परमेश्वर यीशु मांगते हैं प्रभु अपने लोगों की अगुवाई कीजिए और जो आपकी इच्छा है प्रत्येक के जीवन से पूरी होने पाए। महान प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने नाम का परिचय आपने पहुंचाया, सामर्थ के द्वारा आपने ये प्रकट किया कि आप वास्तव में परमेश्वर हैं और आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। मेरे नासरी यीशु मांगते आज के दिन भी कई एक गवाहियां आने पाए, लोग अपनी गवाहियों को टाइप करने पाए, कोई भी प्रभु शैतान की युक्ति उन्हें इस गवाहियों को टाइप करने से रोकने ना पाए। ऐसी युक्तियों को, बंधनों को हम यीशु नाम से तोड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह लोग आपकी महिमा करने पाए, जिन कामों को आपने उनके जीवन में पूरा किया वे उसकी गवाही लोगों तक पहुंचाने पाए और कहने पाए कि सच में यीशु आपने उन पर दया किया। महान परमेश्वर ताकि उनकी आशीष उनके जीवन में ठहरने पाए। और मांगते मेरे नासरी फिर से इस पूरी आराधना को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाइए, अगुवाई दीजिए और यीशु मसीह नासरी एक एक जितने जुड़ रहे हैं सब आपकी शांति और आनंद और भरपूरी को प्राप्त करने पाए। आपके हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह के। हमारे चर्च ऑफ फेथ के हीलिंग मिनिस्ट्री में आप सबों का स्वागत है। जितने लोग जो इस घड़ी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आप सबों को यीशु मसीह बहुत आयत की आशीष दे। और बहुत सारे नए लोग भी इस आराधना में आज जुड़ रहे हैं और मैं उन्हें बता दूं ये समय है परमेश्वर के वचनों की ओर हम बढ़ेंगे, गवाहियों को सुनेंगे और अंत तक आप बने रहे इस आराधना में, क्योंकि अंत में फिर आपके लिए प्रार्थना होगी और यीशु मसीह आज के दिन आपके जीवन में भी अनोखे काम प्रकट करेंगे। और परमेश्वर के दास सुधांशु हैं, हम उनके हाथों में इस आराधना को सौंप देते हैं। आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। सबों को जय मसीह और प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और महासामर्थी नाम में आप सभी का आज के दिन फिर से स्वागत है। और आइए हम लोग जल्दी से सभा में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट में जाएंगे, फिर हम लोग वचनों में जाएंगे और अंत में आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। तो आइए हम लोग आज फिर से देखें कि यीशु मसीह ने आज के दिन फिर से हमारे जीवन में कितने अनोखे अनोखे काम किए हैं, यीशु मसीह ने क्या क्या काम किए हैं और उनकी गवाहियां हम लोग देंगे। और जल्दी से मैं गवाहियों को पढ़ दे रहा हूँ और जिनके नाम मैं पढ़ता हूँ, आप लोग अगर अभी इस वक्त सभा में शामिल हैं तो आप लोग जरूर से जय मसीह की लिखिएगा। और ये गवाहियां वही है जो आपने अपने हाथों से लिखकर इस सभा में डाली है। तो जिनका नाम मैं पढ़ रहा हूं अगर आप हैं तो जय मसीह की आप जरूर से लिखिए। और ये पहली गवाही जो है ये है भाई चंद्र शेखर भगत करके ये भाई हैं और ये लोहरदगा के हैं। अगर चंद्रशेखर भगत आप हैं, अगर सभा में शामिल हैं तो आप जय मसीह की जरूर से लिखिए, भाई चंद्रशेखर भगत। और ये लिखते हैं मैं चंद्रशेखर जय मसीह की मैं चंद्रशेखर भगत लोहरदगा से, लोहरदगा रांची से तकरीबन 75 से 75 किलोमीटर से 100 किलोमीटर दूर है और ये वहाँ से संगति करते हैं। और ये लिखते हैं कि मैं चंद्रशेखर भगत लोहरदगा से, मेरी गवाही यह है कि मेरे बाबा यानी इनके पिताजी लकवा के मरीज हैं, लकवा यानी पैरालिसिस के पेशेंट है। चंद्रशेखर भगत के पिता जो हैं वो लकवा यानी पैरालिसिस के पेशेंट हैं और पैरालिसिस होने से वो फिर कोई ठीक नहीं रहता कि वो ठीक होगा या भी नहीं होगा। बहुत सारी दवाइयों को लोग लेते हैं, बहुत सारी दवाइयों का सेवन करवाते हैं लेकिन लकवा जो पैरालिसिस है वो ठीक नहीं होता। और ये भाई लिख रहे हैं मेरे बाबा यानी पिताजी लकवा के मरीज हैं
और जब से आपकी ऑनलाइन सभा से जुड़े हैं तब से बाबा में सुधार नजर आ रहा है। हालेलुया। और जब से ये ऑनलाइन सभा में जुड़े हैं, ये इनका परिवार जुड़ा है, इनके पिता के उस लकवे की उस बीमारी से इनके बाबा के जीवन में, इनके पिता के जीवन में सुधार नजर आ रहा है। वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये इस सभा में जुड़ते साथ इनके जीवन में काम होना शुरू हो गया है और तब से बाबा में सुधार नजर आ रहा है और परेशानियां भी टल जा रही हैं। यीशु मसीह इनके जीवन में काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये चंद्रशेखर भगत, आप नहीं हैं, चंद्रशेखर भगत का नाम लिखिए। और ये लोहरदगा से ये आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं अगर आप हैं, किसी भी आईडी से हैं तो आप जय मसीह की लिखिए और अपना नाम लिखिए ताकि हम लोग जान पाए कि आप यहाँ पे सभा में शामिल होते हैं। और ये लिखते हैं, हर परेशानियाँ भी टल जा रही हैं और बाबा के लकवे के जो बीमारी है उसमें सुधार नज़र आ रहा है। आपकी ऑनलाइन सभा में मेरे शरारती बच्चे भी हाथ जोड़कर आपके सामने बैठ जाते हैं। इनके बच्चे जो शरारती हैं, जो नहीं बैठते होंगे, लेकिन वो बच्चे भी इस ये जब सभा चलती है तो वो भी बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ के, दोनों हाथों को जोड़ के बिल्कुल अच्छे ढंग से बैठ जाते। प्रभु की सामर्थ उन्हें बैठाती है और प्रभु यीशु की कृपा मेरे ऊपर शुरू हो चुकी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु यीशु मुझे शुरू हो चुकी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आमीन। जय मसीह की। चंद्रशेखर भगत ने अपनी गवाही दी तो है, लेकिन वो आज नज़र नहीं आ रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है कि बहुत लोग नौकरी में रहते हैं, बहुत लोग बिजनेस में रहते हैं और बाद में रिकॉर्डेड सभा भी देखते हैं। और ये कह रहे हैं कि जब से सभा में जुड़े हैं तब से इनके पिता जो हैं, जिनको लकवा मार चुका था, उनके सेहत में सुधार शुरू हो चुका है और परेशानियां भी इनकी, बहुत सारी परेशानियां ख़त्म होती जा रही हैं। और ये लिख रहे हैं कि इस सभा में इनके बच्चे भी हाथ जोड़ के, इनके शरारती बच्चे जो बैठते नहीं होंगे वो भी हाथ जोड़ के बैठते हैं। तो यीशु मसीह इस चंद्रशेखर भगत के इस गवाही से हम सबों को आशीष दे। और वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, भाई का नाम लिख लीजिए और आप जानिए, अगर आप सभा में निरंतर शामिल हैं तो यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। लेकिन अगर आप सभा स्किप करते हैं, आप सभा में शामिल नहीं होते, तो फिर विपत्तियां भी आपके जीवन में आती हैं। और आज ही मेरे एक भाई से बात हो रहा था, वो उन्होंने फ़ोन किया और उनकी बहुत सारी परेशानियां थी। जी हाँ, चंद्रशेखर भगत ने जय मसीह की लिखा, आप देख सकते अपने स्क्रीन पर। चंद्रशेखर भगत, आपकी गवाही अभी हम लोगों ने दी, आपकी गवाही दी है, आप फिर से एक बार जय मसीह की लिखिए। आप लेट से आए हैं, आपकी पिता की गवाही, जो लकवा से उनको जो सुधार हो रहा है, आपकी परेशानियां भी ठीक हो रही है और आपके बच्चे भी जो हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। देखिए, उन्होंने फिर से जय मसीह की लिखा, चंद्रशेखर भगत ने। आप समय से आया कीजिए, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, 7 बजे हर एक मंगलवार और रविवार ये सभा शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल समय से आइए ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में समय से काम करें। और आपकी गवाही हम लोगों ने दे दी है, यीशु मसीह आपको आशीष दे। इसी प्रकार से सभा में जुड़े रहिए, यीशु मसीह काम करेंगे। जी हाँ, फिर से उन्होंने जय मसीह की लिखा था, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। यीशु मसीह की महिमा होने पर यही गवाहियां हैं। जितने लोग इस सभा से जुड़ रहे हैं, जितने लोग इस सभा में निरंतर रेगुलर रूप से शामिल हैं, खुद बखुद उनके जीवन में काम होना शुरू हो जा रहा है। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते। ये दूसरी गवाही जो है वो सुलेखा उराव करके बहन है। सुलेखा उराव, अगर आप हैं तो जय मसीह की आप भी लिखिए। और सुलेखा उराव लिखती हैं, जय मसीह की सभी को, मैं सुलेखा उराव, मेरी गवाही है कि मुझे चार पाँच वर्ष से मेरे गले के पास वाइट स्पॉट टाइप स्किन डिजीज था। इनके गले के पास 4 से 5 वर्ष हो चुके थे और इनके गले के पास वाइट स्पॉट, मतलब सफ़ेद दाग हो गया था और डिजीज़ हो गया था। पता नहीं वो खुजली था, पता नहीं वो और कुछ था, लेकिन 4 से 5 वर्ष बीत चुके थे और ठीक नहीं हो रहे थे। और ये लिखती हैं, मैं डॉक्टर को दिखलाई थी,
लेकिन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि कई बार डॉक्टर के दवाइयां भी फेल हो जाते हैं, कई बार वैद्य के और डॉक्टरों के और बहुत सारे उपाय हमारे नाकाफी हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का काम हमारे जीवन में होता है। सुलेखा उराव ने जय मसीह की लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। फिर से एक बार सुलेखा बहन आप जय मसीह लिखिए ताकि लोग फिर से आपको अच्छे से देख पाए, और उन्हीं की गवाही मैं दे रहा हूँ। गले के पास उनका 4-5 साल से इनका वाइट स्पॉट, सफ़ेद दाग टाइप का हो गया था, और वो ये लिखती है, मैं डॉक्टर को दिखलाई थी लेकिन ठीक नहीं हुआ। इन्होंने डॉक्टरों को दिखलाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टरों की भी एक सीमा है, डॉक्टर उससे आगे। हाँ, जय मसीह की। सुलेखा राव ने जय मसीह की लिखा है, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, और उससे ऊपर आप देखेंगे तो डॉलिन कुजूर करके एक बहन है, उन्होंने भी जय मसीह की लिखा है, और डॉलिन कुजूर आज वो दिख रही हैं, उनको यीशु मसीह ने कैंसर से चंगाई दिया यहाँ के प्रार्थना के द्वारा। डॉलिन कुजूर को लिखना शायद नहीं आता उतने अच्छे से, लेकिन आप डॉलिन कुजूर भी जय मसीह की आप लिखिए, जिनको कैंसर से यीशु मसीह ने चंगाई दिया यहाँ की प्रार्थना के द्वारा। यीशु मसीह महासामर्थी परमेश्वर हैं। डॉलिन कुजूर आप सुन पा रही हैं तो आप जय मसीह की जरूर से लिखिए। हाँ, डॉलिन कुजूर के आईडी में प्रॉपर नहीं लिखे हैं, हाँ, डॉलिन कुजूर लिखना चाह रहे हैं। हाँ, अपने नाम को डॉलिन कुजूर लिखना चाह रही हैं, उनको लिखना उतने अच्छे से मोबाइल में लिखना नहीं आता, और डॉलिन कुजूर को यीशु मसीह ने कैंसर बीमारी से चंगाई दिया। वो आप देख सकते हैं डॉलिन कुजूर को वो लिख रही हैं लेकिन ठीक से लिख नहीं पा रही हैं। अच्छा, सुलेखा उराव बहन फिर से आप जय मसीह की लिखिए, आपकी गवाही में दे रहा हूँ। और मेरे निक गले के पास वाइट स्पॉट टाइप स्किन डिजीज़ था, मैं डॉक्टर को दिखलाई थी लेकिन ठीक नहीं हुआ, और मैं ऑनलाइन प्रेयर रेगुलर अटेंड करती हूँ, और कंटिन्यू ऑनलाइन प्रेयर अटेंड करने से मेरी ये स्किन डिजीज़ कब ठीक हो गई मुझे पता भी नहीं चला। हालेलुया, इनका ये ऑनलाइन सभा रेगुलर रीति से ये अटेंड करती हैं। सुलेखा उराव बहन जिनका 5 साल से गले के पास वाइट स्पॉट, सफ़ेद दाग हो गया था, डॉक्टरों से बहुत दिखाई, ठीक नहीं हुआ। सुलेखा उराव ने हालेलुया यीशु मसीह की जय लिखा, आप देख सकते हैं उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ। और जो डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ लेकिन रेगुलर आराधना में बने रहने के कारण हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से ये आराधना में शामिल होती हैं, और ये क्या लिख रही हैं आपने देखा कि बने रहने से, अटेंड करने से ये स्किन डिजीज़ कब ठीक हो गया मुझे पता भी नहीं चला। हालेलुया, कितनी बड़ी गवाही। आप इस सभा में अगर शामिल हो रहे हैं और रेगुलर रीति से शामिल हो रहे हैं और समय से आ जा रहे हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में समय से काम करेंगे। आपके जीवन में काम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप सभा में शामिल हैं तो यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और ये सभा, नए लोगों को फिर से बता दूं, हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है, और आप इस बीच मंगलवार रविवार के बीच में हमारे जो रिकॉर्डिंग सेशन हैं उसको भी प्रतिदिन चला के आप सुना कीजिए, पहले के जो रिकॉर्डेड सेशन है, और सुनते सुनते ही यीशु मसीह कैंसर से, यीशु मसीह एड्स से, यीशु मसीह और भी बड़ी बड़ी बीमारियों से, पाइल्स की बीमारियों से, और भी नाना प्रकार की बीमारियों से, डिप्रेशन से, वर्षों वर्षों के डिप्रेशन जिसके चलते लोग सुसाइड करना चाहते हैं, वैसे वैसे प्रॉब्लम से यीशु मसीह छुड़वा ले रहे हैं। यीशु मसीह कैंसर को मिटा दे रहे हैं। यीशु मसीह डॉलिन कुजूर ने, देखिए डॉलिन कुजूर लिखा है, आप देख सकते हैं, और उनको कैंसर बीमारी से यीशु मसीह ने चंगाई दिया, जिसकी मैंने पिछले दिनों आपको गवाही पढ़ के सुनाई थी। इनको कैंसर हो गया था लेकिन इन्होंने प्रार्थना करवाया और सभा में शामिल रहीं, और फिर जब प्रार्थना के बाद फिर से ये वेल्लोर गई, और वहाँ पे जब इनका रिपोर्ट हुआ, चेकअप हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कोई कैंसर नहीं है, जबकि यहाँ पे डॉक्टरों ने कह दिया था इनको कैंसर है, इनको परेशानियाँ शुरू हो गई थी, लेकिन जब ये वेल्लोर गई प्रार्थना के बाद कोई कैंसर नहीं था। यीशु मसीह रिपोर्ट को चेंज करने वाले परमेश्वर है। जो डॉक्टरों से नहीं हो सकता वो यीशु मसीह से हो सकता है। हालेलुया। और देखिए ये लिखती हैं कि मेरा ये डिजीज कब ठीक हो गया, ये सुलेखा उराव में फिर से आ रहा हूँ, और वो लिखती हैं, इस सभा में निरंतर शामिल होने से मेरी ये बीमारी कब ठीक हो गई मुझे पता भी नहीं चला।
इस स्किन डिजीज से छुटकारा देने के लिए मेरे महान प्रभु यीशु को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। यीशु मसीह को जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। हालेलुया। मेरी इस गवाही से सभी को आशीष मिले। दीदी और भैया को बहुतायत की आशीष मिले। यीशु मसीह की जय। सुलेखा उराव बहन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया। यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया। जो डॉक्टरों के दवाई से वो ठीक नहीं हुई, आराधना में शामिल होने लगी और कब ठीक हो गई? 5 वर्षों की बीमारियां जो आराधना में शामिल होने के द्वारा वो अपने आप कैसे ठीक हो गई उनको पता भी नहीं चला। अगर आप भी इस सभा में निरंतर जुड़े हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे, खुद ब खुद यीशु मसीह काम करेंगे। आप लाइव सभा, प्रत्येक लाइव सभा में जुड़िए। और दूसरी बात, प्रतिदिन कोशिश कीजिए एक रिकॉर्डेड सेशन जो पहले का है उसको चलाइए, उसको सुनिए और वचनों के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में भी काम करने के लिए तैयार हैं। आइए और एक गवाही में जाते हैं। और ये अमृत विवेक खलखो करके भाई हैं और ये एवी खलखो करके आईडी से देखते हैं। एवी खलखो, अगर आप हैं एवी खलखो के आईडी से अमृत विवेक खलखो, तो आप जय मसीह की जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं, जय मसीह की दीदी और भैया, मेरा नाम अमृत विवेक खलखो है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे गवाही देने का अवसर दिया। मेरा गवाही है कि मुझे 2.5 मंथ से पाइल्स था। पाइल्स यानी बवासीर, आप जान रहे हैं। और एक पाइल्स की गवाही नहीं, कितने कितने बवासीर की, कितने कितने पाइल्स की गवाहियां हैं लोगों के। 10-10 साल, 15-15 साल के प्रॉब्लम्स जब वो इस सभा में शामिल हुए, यीशु मसीह ने ठीक किया। एवी खलखो ने जय मसीह की लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा। फिर से एवी खलखो, आप फिर से जय मसीह की लिखिए ताकि लोग फिर से आपको देख पाए। और ये लिखते हैं, 2.5 मंथ से पाइल्स था। मैं बाथरूम जाने से डरता था क्योंकि पाइल्स ऐसी बीमारी है, आप बाथरूम जाते खून निकलने लगता है, दर्द होता है और डॉक्टरों के दवाइयों से भी वो ठीक नहीं होता। डॉक्टर फिर ऑपरेशन के लिए बोलते और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं होता। और इनको 2.5 महीने से ये बीमारी थी और ये कह रहे हैं कि मैं बाथरूम जाने से डरता था। और ये लिखते हैं जी, एवी खलखो ने प्रेज द लॉर्ड लिखा। देखिए उन्हीं की गवाही मैं दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और इन्हीं को 2.5 महीने हो गए थे पाइल्स की बीमारी, बवासीर की बीमारी से जूझ रहे थे और ये बोल रहे हैं मैं बाथरूम जाने से भी डरता था। फिर से उन्होंने, एवी खलखो ने जय मसीह की लिखा, मैं आयुर्वेदिक दवा 1 मंथ लिया पर ठीक नहीं हो रहा था और साथ साथ मेरे हाथ और पैर में खुजली भी हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद खुजली का इंग्लिश दवा लिया, यानी एलोपैथिक दवा इन्होंने लिया, जिसके कारण मेरा पेट में साइड इफेक्ट हो गया और पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। सोचिए, और पाइल्स इनका बढ़ गया, ज़्यादा ही बढ़ गया इनका। खुजली का ये लिए दवाई लिया, एलोपैथिक दवा, और पाइल्स इनका बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये लिखते हैं, मैं रात रात को उठ के रोता था। रोते थे ये भाई, और जवान भाई, क्योंकि पाइल्स बीमारी ही ऐसी है और लोग थक जाते हैं कई बीमारियों से हार जाते हैं। और ये क्या लिख रहे हैं, एवी खलखो जवान भाई हैं, अमृत विवेक खलखो नाम है। और ये लिख रहे हैं, मैं रात रात को उठ के रोता था। मैं रात को उठ करके अपने बिस्तर में रो रो के प्रेयर करता था। मुझे एक फ्रेंड ने चर्च ऑफ फेथ का लिंक भेजा। चर्च ऑफ फेथ हमारे चर्च का नाम है। चर्च ऑफ फेथ यानी विश्वास की कलीसिया, और जितने लोग विश्वास के साथ यहाँ जुड़ते हैं उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं। और यहाँ का लिंक उन्होंने, रोहिणी थापा ये जो हमारा पेज है, उसका लिंक भेजा किसी भाई ने। अचानक मुझे वो याद आया, फिर मैं रिकॉर्डेड सभा देखना शुरू किया और सिर्फ 2 लाइव सभा देखा और यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। हाँ बोलिए, एवी खलखो के आईडी से आए हैं, यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एवी खलखो के आईडी से उन्होंने लिखा, यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके पाइल्स की बीमारी जिसके कारण
ये रात रात को उठ के रोते थे, बाथरूम जाने से डरते थे। और ये सभा, सिर्फ दो सभा इन्होंने देखा, लाइव सभा देखा और दो ही लाइव सभा देखा और इनका वो पाइल्स का प्रॉब्लम पूरी रीति से ठीक हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह का हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर हैं, अनोखे काम करने वाले परमेश्वर हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ जिसके पास जो है वो वही देता है। यीशु मसीह के पास जीवन है, आप उनके पास आएंगे तो आपको जीवन ही मिलेगा, आप मृत्यु में जाने से बच जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह आपको जीवन देंगे। और जब ये यीशु मसीह के पास आए, इनको पहले ही लिंक भेजा गया था लेकिन इन्होंने हमारे इस रोहिणी थापा पेज के लिंक पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इनकी बीमारी बढ़ गई तब इनको याद आया, अरे मुझे यहाँ का किसी ने लिंक भेजा, और ये देखने लगे और दो सभा ही देखा और यीशु मसीह ने इनके पाइल्स के प्रॉब्लम से पूरी रीति से इनको छुड़वा दिया। हालेलुया, यीशु मसीह काम करने वाले परमेश्वर। अगर आपकी भी कोई भी समस्या है जिसके कारण हो सकता है आप भी रातों को रोते होंगे, छुप के रोते होंगे, किसी को आपके आंसू न दिखे, आप अंधेरे में रोते होंगे, आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते होंगे, जानिए यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोछने में सामर्थी हैं। वो आपके आंसुओं को पोछ सकते हैं, वो आपको नया जीवन दे सकते हैं। लेकिन आपको मसीह में अपना रिलेशन अच्छा करना होगा। और दूसरी बात, इस सभा में आप रेगुलर शामिल होइए। देखिए, यीशु मसीह आपको निकालेंगे, उस दलदल की कीच से निकालेंगे। यीशु मसीह ने मेरे तकलीफ को, ये लिखते हैं, दूर किया और मुझे चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह सचमुच हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो जिंदा खुदा हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दीदी और भैया को प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष दे, आमीन। फिर से सबों को जय मसीह की, जय मसीह की। भाई अभी खलखो के सॉरी अभी खलखो को जो अमृत विवेक खलखो हैं आईडी से देखते हैं, अभी खलखो के आईडी से यीशु मसीह उनको आशीष दे। यीशु मसीह ने, उन्होंने फिर लिखा है, अभी खलखो हालेलुया आमीन। आप देख सकते हैं, और इन्हीं को यीशु मसीह ने पाइल्स की बीमारी से सिर्फ दो सभा इन्होंने देखा और छुटकारा दिया। आपकी भी ऐसी बीमारी है, आपकी भी ऐसी समस्या जो आप किसी को बोल नहीं सकते, तो बिल्कुल इस सभा में आप शामिल हो जाइए। देखिए, यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे, आपको खड़ा करेंगे और यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। ऐसा कोई रोग नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो यीशु मसीह ठीक नहीं कर सकते। तो जब अभी खलको को यीशु मसीह ठीक कर सकते तो आपको भी कर सकते हैं, क्यों नहीं ठीक करेंगे। वो सारे मानव जाति के परमेश्वर हैं, उनके लिए सारे बच्चे एक समान है, लेकिन जो उन पे विश्वास करेगा उनके लिए वो काम करेंगे। तो आइए हम लोग और एक अंतिम गवाही में जाएंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। और ये बहन है सोनी टोपो करके बहन है, सोनी टोपो, और सोनी टोपो बहन है। तो जय मसीह की आप लिखिए, और ये लिखती हैं, जय मसीह की, मेरा नाम सोनी टोपो है, मैं, मेरी गवाही मेरी माँ की है। मेरी माँ 24/12/2021 को मॉर्निंग में झुक के ब्रश कर रही थी, तब उठने के टाइम में अचानक कमर का हड्डी कट से आवाज किया। जी, सोनी टोपो ने जय मसीह की लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। फिर से सोनी टोपो बहन, आप जय मसीह की फिर से लिखिए ताकि सारे लोग फिर से आपको देख पाए और मैं भी आपको देख पाऊँ ठीक से। और ये लिखती हैं कि इनकी माँ जो है ब्रश कर रही थी झुक के, और जब उठने का टाइम हुआ, उठी इनकी माँ, अचानक कमर का हड्डी कट से आवाज किया। उसके बाद माँ ना तो बैठ पा रही थी और ना ही उठ पा रही थी, रीढ़ की हड्डी में इनकी माँ का चोट लग गया। जी, फिर से सोनी टोपो ने जय मसीह की लिखा है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो इनकी माँ का रीढ़ के हड्डी में आवाज आया, और पिछले दिन आप लोगों ने एक गवाही सुना था कि रीढ़ का हड्डी फंस गया था, एक बहन का रीढ़ का हड्डी फंस गया था। डॉक्टरों से दिखाया, डॉक्टर दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना कराया और उसी के बाद तुरंत वो रीढ़ का हड्डी जो आपस में फंस गया था वो ठीक हो गया। और ये भी, इनका भी रीढ़ का हड्डी कट से आवाज आया, और उसके बाद बहन रीना किंडो ने गवाही दिया था, उनका भी रीढ़ का हड्डी फंस गया था। वो भी अभी देख रही होंगी, अगर रीना किंडो देख रही हैं, हाँ, रीना किंडो ने हालेलुया लिखा। देखिए, आप देख सकते हैं, रीना किंडो बहन, इनका रीढ़ का हड्डी फंस गया था और प्रार्थना के बाद वो ठीक हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और ये भी, इनकी
सोनी टोप्पो की माँ के भी रीढ़ के हड्डी में कट से आवाज किया और उसके बाद माँ न तो बैठ पा रही थी और न ही उठ पा रही थी। जी रीना किंडो ने जय मसीह की, हाँ रीना किंडो ने भी जय मसीह की लिखा है, जिनका पिछले दिनों मैंने गवाही दिया और ये अभी सोनी टोप्पो की गवाही, सोनी टोप्पो की माँ की गवाही मैं दे रहा हूँ। तो ये लिखती हैं कि ना तो माँ बैठ पा रही थी और ना उठ पा रही थी, दर्द इतना ज्यादा था कि सिर्फ रो ही रही थी। सोचिए इतना दर्द कि रो रही थी, क्योंकि रीढ़ के हड्डी में उनका पता नहीं क्या हुआ, वो कट से आवाज किया और वो फंस गया या क्या हुआ वो हम लोग नहीं जानते हैं। और ये जो आपके कमर के रीढ़ की हड्डियां जो होती है ना, अगर इसमें कोई तकलीफ हो जाए, अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो आप उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, आप ना उठ पाएंगे ना बैठ पाएंगे, आप पैरालिसिस, आपके पूरे शरीर को, शरीर का जो निचला हिस्सा है उसको पैरालिसिस मार देगा। और इनका भी वही हाल हुआ और ये कह रही हैं इनकी माँ ना तो उठ पा रही थी और ना बैठ पा रही थी, सिर्फ रोए जा रही थी, दर्द इतना ज़्यादा था। और ये लिखती हैं, तब हम पास्टर रोहिणी दीदी को कॉल किए, तब भैया ने रिसीव किया फ़ोन और भैया ने मुझे टाइम दिया, फिर हम उसी टाइम में कॉल किए, तब पास्टर रोहिणी दीदी ने माँ के कमर के लिए फ़ोन में ही प्रेयर की, उसके बाद उसका दर्द कम हुआ। हालेलुया, जो रो रही थी जब फोन में प्रार्थना हुआ उसके बाद उनका दर्द जो है वो कम हो गया, वो उसके बाद वो शांत हुई थोड़ा, क्योंकि इतना कमर में दर्द था कि वो उठना बैठना मुश्किल हो गया था। और माँ सो गई, देखिए सोते कब है लोग, जब आराम मिलता है तब सोते हैं, नहीं तो इतना रीढ़ के हड्डी में जब चोट लग जाए तो सोना उठना बैठना सब चीज मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब इनके लिए प्रार्थना हुई तब ये शांत हुई और तुरंत ये सो गई। हालेलुया, सोनी टोप्पो ने हालेलुया थैंक यू जीसस लिखा है और इन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ, इनकी माँ की गवाही दे रहा हूँ। और ये लिखते हैं, फिर से हम रोहिणी दीदी को माँ के लिए प्रेयर करने के लिए बोले 25 तारीख को, ये लिख रही हैं 25 दिसंबर को, और जिसका प्रतिफल हुआ कि माँ का कमर का दर्द शाम होते होते पूरी रीति से खत्म हो गया। हालेलुया, और इनकी माँ का दर्द जो कमर का दर्द था, जब इन्होंने फिर से प्रार्थना दिया, निवेदन दिया और माँ के कमर का दर्द पूरी रीति से, पूरी तरीके से ठीक हो गया, यीशु मसीह ने ठीक किया और वे अच्छे से हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाए और माँ शाम को डांस भी कर पाई, नाची भी। सोचिए जिसके रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो गई हो वो नाच पाएगा? वो बिल्कुल नाच नहीं पाएगा। ऑपरेशन की बात होती और भी कितने सारे चीज़ों की बात होती, डॉक्टर बोल देते अब आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना, अब आपको कोई भारी काम नहीं करना, लेकिन जब इनके लिए प्रार्थना हुआ इन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और वही माँ जो रो रही थी वो क्रिसमस के दिन शाम में प्रभु के लिए नाची। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह महासामर्थी परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो सब कुछ करने में सामर्थी परमेश्वर है। वो बोल रहे हैं कि वो अच्छे से हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर पा रहे, माँ शाम को नाची भी और यीशु मसीह ने बहुत बड़े कष्ट से बचा लिया। यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद और महिमा मिले, माँ की बहुत बड़ी गवाही से आप सभी को आशीष मिले और हमारी पास्टर रोहिणी दीदी और भैया को बहुतायत की आशीष मिले। सबों को जय मसीह की, जय मसीह की। बहन सोनी टोप्पो और बहुत बड़े खर्चे से भी बचाया, बहुत बड़े कष्ट से बचाया, माँ की तकलीफ से प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। आपकी भी ऐसी बहुत सारी तकलीफें हैं जो आप किसी को बोल नहीं सकते, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। देखिए यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे, आपको चंगाई देंगे, आपको खड़ा करेंगे और आप भी गवाहियों के लिए खड़े होंगे। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं, वो महासामर्थी परमेश्वर हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकते। तो सारी गवाहियों के लिए हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, सब कुछ के लिए हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि काम करने वाले वही परमेश्वर हैं। तो आइए हम जल्दी से वचनों में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि समय की कमी के कारण हम लोग जल्दी से वचनों में जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट में हम लोग जाएंगे और आप लोग पिछले दिनों सुन रहे थे हमारे चर्च के लोग कि इस बार हमारा अलग अलग जगह चर्च चलता है और अलग अलग जगह प्रभु भोज के लिए पास्टर जाती हैं और वो प्रभु भोज देती हैं।
अलग अलग संडे में अलग अलग दिन, आप लोग जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता रहा हूँ। और इस बार अनाउंसमेंट हुआ था, आप लोग सभी को ध्यान से सुनिए, इस बार अनाउंसमेंट यही हुआ था कि सारे जगह के हमारे ब्रांच के लोग, चर्च के अलग अलग चर्च के लोग रांची चर्च में आके इस सेकेंड संडे में, ये आने वाले संडे में प्रभु भोज लेंगे। और यही अनाउंसमेंट चल रहा था इस जनवरी महीने में, सेकेंड संडे में सभी लोग आके रांची में ही प्रभु भोज लेंगे, चर्च ऑफ फेथ के, हमारे चर्च के लोग। और बाकी जगह वो इस बार प्रभु भोज नहीं होगा, सिर्फ रांची में एक बार में ही होगा। लेकिन अभी आप लोग जानते हैं लॉकडाउन फिर से लग चुका है और गवर्नमेंट ने, झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत सारे गाइडलाइंस को दिया है। इस कारण मैं कह रहा हूँ कि अभी इस सेकेंड संडे में प्रभु भोज होना मुश्किल है। आप लोग ध्यान से सुनिए, रांची चर्च के लोग, मांडर, टांगर बस्ती, लोहरदगा, सिल्ली वाले लोग, सभी को सुनिए, बोकारो से जो भी आते हैं, इस सेकेंड संडे में रांची में प्रभु भोज नहीं होगा। इस सेकेंड संडे में अभी बंद रहेगा रांची में, ये सेकेंड संडे और उसके बाद थर्ड संडे भी आराधना बंद रहेगा रांची वाले लोगों के लिए, क्योंकि 100 लोगों का लिमिट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और हम लोग नहीं हो पाएगा, हम लोग अट नहीं पाएंगे, इसलिए अभी बंद है। अगले आदेश तक बंद रहेगा, 17 तारीख तक तो गवर्नमेंट ने दिया है। हो सकता है हम लोग चौथे संडे, जो चौथा लास्ट संडे है गवर्नमेंट का, जैसा आदेश होगा तो चौथे संडे हम लोग रांची में प्रभु भोज करेंगे। तो इस बात को आप लोग सबको ध्यान दीजिए, जैसा होगा वो आप लोग को अनाउंसमेंट में बताया जाएगा, इसी में आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग सबों को बताया जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए इस बात को, इस संडे रांची का चर्च और बाकी सभी जगह का चर्च बंद रहेगा, सिर्फ लोहरदगा को छोड़ के, क्योंकि जैसा पास्टर जाती है हर महीने लोहरदगा में चौथे संडे में, तो चौथे संडे ना जाके इस सेकेंड संडे में, ये आने वाले संडे में लोहरदगा जाएंगी पास्टर, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। तब तक मांडर और बाकी जगह के चर्च बंद रहेंगे जब तक गवर्नमेंट का आदेश ना आ जाए, समझ रहे हैं आप इस बात को, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सेकेंड संडे में पास्टर जाएंगी लोहरदगा चर्च, लोहरदगा चर्च के मंडली के लोग वहीं पे, चर्च के लोग वहाँ पे चर्च में मिलेंगे, सभी को, जितने लोग वहाँ संगति करते हैं, जो आते थे चौथा जो संडे में, जितने लोग आते थे लोहरदगा चर्च में, सभी को इस बार दूसरा संडे या आने वाले संडे में लोहरदगा चर्च में जमा होंगे 9 बजे से। बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए, 9 बजे से आप लोग को जमा हो जाना, बहुत छोटा सा सेशन चलेगा और तुरंत समाप्त हो जाएगा, बहुत छोटा वहाँ सभा चलेगा। और अगले संडे, तीसरा संडे जो मांडर में जैसा चलता था, मांडर में प्रभु भोज के दिन लोग जो जमा होते थे, वैसे ही मांडर में तीसरा संडे में जमा होंगे, जितने लोग जमा होते थे तीसरे संडे में, और बाकी समय पूरा बंद रहेगा गवर्नमेंट के अगले आदेश तक। और रांची वाले लोग के लिए, जब तक कि आदेश नहीं आता गवर्नमेंट का, तब तक अभी चर्च जहाँ पे हमारा चलता वो बंद रहेगा। आने वाले समय में आपको इसी ऑनलाइन आराधना में बताया जाएगा, हो सकता है हम लोग चौथे संडे में प्रभु भोज करें अगर गवर्नमेंट आज्ञा दे तब, तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान दें। तो आप लोग समझ गए इस बात को, लोहरदगा इस बार जाएंगी पास्टर इस सेकेंड संडे में, ये आने वाले संडे में, और उसके बाद थर्ड संडे में मांडर जाएंगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान दें, तब तक उस बीच में बाकी जगह बंद रहेगा। तो आइए हम लोग वचन में आगे बढ़े और देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाए और आज के लिए आप लोग मांगिए, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातचीत कीजिए ताकि मैं आपके वचनों पर चलने वाला होने पाऊँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु जी, आज फिर से आपने हम सबों को अपने इस आराधना में शामिल किया प्रभु जी, और दयालु परमेश्वर ये मौका दिया, जिससे ये ऑनलाइन का मौका दिया, जिससे हम जहाँ कहीं हैं इस लॉकडाउन के बावजूद हम जमा हो पा रहे हैं प्रभु जी, आपकी संगति में हम शामिल हो पा रहे हैं, आपके गवाहियों को हम सुन पा रहे हैं, आपके वचनों को हम सुन पा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। दयालु परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, और मैं प्रार्थना करता हूँ, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग अभी इस सभा में शामिल हैं, जो भी उनके दुख तकलीफ है उसे आप जानते हैं प्रभु,
उसको आप अपने वचन के द्वारा दूर कीजिए प्रभु यीशु मसीह, उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आप क्या चाहते हैं उनके जीवन से, उनसे बोलिए प्रभु जी, ताकि वो उन वचनों पे चले और अपने जीवन में आशीषित होने वाले होने पाए। मेरे गले को, मेरे होंठों को भी आप छू लीजिए, ताकि जितने वचन निकले सारे निर्माणकारी वचन होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से मांगते दे, सुनिए स्वर्ग राज में से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग वचनों में आगे बढ़ेंगे। अभी कोई भी अपने निवेदन नहीं लिखेंगे, कोई भी निवेदन नहीं लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे वचन, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और जब हम वचन को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे और हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक। बाइबल में एक यिर्मयाह करके परमेश्वर के जन थे, परमेश्वर के अभिषिक्त जन थे, और उनकी पुस्तक यिर्मयाह नाम के नबी की पुस्तक में उसका 32 अध्याय और उसके 26 पद में हम ध्यान से सुनेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर क्या कहते हैं, वहाँ क्या लिखा है। हाँ, 32 उसका 26। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। देखिए, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा मतलब प्रभु यीशु मसीह का एक नाम है, जो पुराने नियम में, बाइबल दो नियम से बना है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम यीशु मसीह से पहले का नियम और नया नियम यीशु मसीह के आने के बाद का नियम। तो यहाँ पे पुराने नियम में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हम जानते थे यहोवा के नाम से, और परमेश्वर को हम यहोवा के नाम से पुकारते थे। और यहाँ पे लिखा है यहोवा का यह वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, परमेश्वर के जन यिर्मयाह के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, सब प्राणियों का, सारे प्राणियों का, जिसमें प्राण होता है, प्राणी मतलब जिसपे प्राण होता है, उन सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, उन सारे प्राणियों का परमेश्वर यीशु मसीह हूँ, क्या मेरे लिए भी कोई काम कठिन है? दो बात यहाँ पे हम देखते हैं। पहला, सब प्राणियों का परमेश्वर वो है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि मैं सब ईसाइयों का परमेश्वर यहोवा हूँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे साफ लिखा है, अगर आप देखेंगे तो, सब प्राणियों का परमेश्वर, पूरी मानव जाति का परमेश्वर, जिसमें प्राण है उनके वो परमेश्वर हैं, हालेलुया, और सारे प्राणियों के वो परमेश्वर। इसलिए तो जो उनके पास आते हैं उनके लिए वो काम करते हैं, वो काम करके दिखाते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और वो काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें परमेश्वर कैसे मानेंगे, लेकिन वो काम करके लोगों के जीवन में दिखलाते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ, जितने मेरे पास आएंगे उनका मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। और दूसरा चीज यहाँ पे लिखा है, पहला तो हम लोगों ने देखा यीशु मसीह सारे प्राणियों के परमेश्वर है, और दूसरा चीज, क्या मेरे लिए भी कोई काम कठिन है? क्या यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन है? कोई, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज आप लोगों ने बहुत सारी गवाहियों को सुना, आज आप लोगों ने सुना, सारी बातों को सुना कि 5 साल से उनके गले में दाद जैसा हो गया था, सफ़ेद दाग हो गया था, और वो डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ, लेकिन आराधना सुनते सुनते वो बहन ठीक हो गई। कब ठीक हो गई पता भी नहीं चला, क्यों? क्योंकि वो सारे प्राणियों के परमेश्वर यहोवा है। ये शिव शंकर भाई ने गवाही दिया, अभी शिव शंकर भाई आप गवाही अभी लिखे हैं, आप लोग ध्यान से, हाँ, और भी दो लोगों ने, स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी दो लोगों ने गवाहियां लिखी हैं, आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, आप लोग का तन यहाँ रहता, मन कहीं और रहता है। आप लोग को बोला जाता अभी आप लोग गवाही मत लिखिए, सभा में मत लिखिए, क्योंकि वो गवाहियां मेरे पास नहीं पहुंच पाती। आप लोग जब सभा समाप्त होता है तब आप फिर से रिकॉर्डेड सेशन को खोलिए और तब लिखिए, ताकि वो मेरे पास पहुंच पाए। आप लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग ध्यान नहीं देते। शिव शंकर भाई, फिर से जब सभा समाप्त होगी आप फिर से खोलिएगा और तब गवाही आप लिख के डालिएगा, और जिन्होंने भी लिखा है वो लोग भी फिर से लिखिएगा, जब सभा समाप्त हो जाएगी तब आप लिखिएगा। आप इस बात को ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान नहीं देते। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए भी कोई काम कठिन है?
क्या यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको वही बोल रहा था, वो बहन 5 साल से जिसके गले में तकलीफ था और जो डॉक्टरों के दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब वो इस सभा में जुड़ी तो यीशु मसीह ने उनके जीवन में काम किया, और सभा देखते देखते वो कब ठीक हो गई पता भी नहीं चला। सुलेखा बहन ने गवाही दिया, और भी आप लोगों ने लोगों को ये भी खलखो ये भी कुजूर की आज गवाही आप लोगों ने सुनी, ये भी खलखो अमृत विवेक खलखो की गवाही सुनी, जो भाई रात को उठ उठ के रोते थे, उनको पाइल्स की शिकायत हो गई थी, डॉक्टरी दवाई से जो ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन वो 2 सभा देखे यहाँ पे, 2 सभा में रेगुलर शामिल हुए लाइव सभा में, और उनके पाइल्स के प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि वो सब प्राणियों के परमेश्वर यहोवा है और उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन उनके लिए नहीं है। लोगों के लिए, हमारे लिए कठिन है, मनुष्यों के लिए कठिन है, डॉक्टरों के लिए कठिन है, वकीलों के लिए कठिन है, वैद्यों के लिए कठिन है, और भी आपके अड़ोस पड़ोस और भी आपके रिलेटिव्स के लिए कठिन है, लेकिन यीशु मसीह के लिए कठिन नहीं है। वो जब अनुग्रह करना चाहेंगे आप चंगे हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आपके कर्जे माफ हो जाएंगे, आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, आपके पारिवारिक उलझने दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दावा किया है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कोई काम मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के लिए कठिन नहीं है। और उन्होंने कहा, मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, सारे प्राणियों का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हूँ। और एक वचन अगर पढ़ेंगे तो हम लोग और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, बाइबल में नए नियम में मत्ती करके एक पुस्तक है, और वहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 26 पद अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं इस बात को। देखिए क्या लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता। और मनुष्यों में डॉक्टर, वकील, आपके रिलेटिव्स, आपके संगी साथी, आपके माता पिता, आपके बेटे बच्चे सब आते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पोजीशन पे क्यों ना, उनमें वो आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मनुष्यों से यह जो बीमारी है यह ठीक नहीं हो सकता, मनुष्यों से यह समस्या हल नहीं हो सकता, मनुष्यों से ये आपके बच्चे जो ड्रग्स लेते हैं वो ठीक नहीं हो सकते, लेकिन आगे पढ़िए, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, क्या बोल रहे हैं, परंतु परमेश्वर से सब कुछ, मनुष्यों से ये ठीक नहीं हो सकता। आप मनुष्य पे आशा रखे हैं उनसे ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने अगर यीशु मसीह पे आशा रखी है उनसे होगा। आप आज सोचिए आपने किन पे आशा रखी है, क्या आपने मनुष्यों पे अभी तक आशा लगा के रखी है, मनुष्यों का बाट जोते हैं या आप यीशु मसीह का बाट जोते हैं? अगर आपने यीशु मसीह का बाट जोहा तो आपके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अभी भी मनुष्यों पे अगर बाट जो हैं उनका आसरा कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जीवन भर आप रोते रह जाएंगे, जीवन भर आप रोएंगे, लेकिन यीशु मसीह पे अगर आपने भरोसा किया है तो आप ठीक हो जाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। आगे और कुछ लिखा है, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से क्या लिखा है, सब कुछ हो सकता, सब कुछ हो सकता है। आज आप लोगों ने गवाही देखी तो ये नहीं कि सिर्फ गले में दाग वाली गवाही सुनी, आप लोगों ने लकवा पेशेंट की गवाही सुनी, आपने पाइल्स की गवाही सुनी, आपने रीढ़ की हड्डी की गवाही सुनी, पिछले दिनों आपने कैंसर की गवाही सुनी, पिछले दिनों उससे पहले आपने और भी अधिक गवाहियों को सुना अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह पर्टिकुलर यही बीमारी का इलाज कर सकते हैं, यीशु मसीह सिर्फ मेरे बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, यीशु मसीह सिर्फ इतने तक ही सीमित है, नहीं मेरे प्रियो, वो बुद्धि देने वाले भी परमेश्वर है, वो ज्ञान देने वाले परमेश्वर हैं, वो हमारे जो बेरोजगारीपन है उसको दूर करने वाले परमेश्वर है, वो हमारे कर्जों से हमें मुक्त करने वाले परमेश्वर है, वो हमें चंगाई भी देने वाले परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, इसलिए तो हम यीशु मसीह को परमेश्वर कहते हैं। अगर उनसे सब कुछ नहीं हो सकता और उन्हें हम सिर्फ कुछ बंधन में बांध के रखते कि यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देते हैं लेकिन हमारी बेरोजगारी दूर नहीं होती, तो हम कैसे मानेंगे कि वो परमेश्वर हैं? क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह की समस्याओं में फंस चुके हैं, ऐसी समस्याएं जैसे मकड़ी के जाल में
कीट पतंगे फंस जाती हैं ना, वैसे ही हम भी उन समस्याओं में फंस जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता, हम जितना हाथ पैर चलाते हैं और हम उस समस्याओं में फंसते जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम इन समस्याओं से कैसे निकले, क्योंकि कीट पतंगे भी जब मकड़े के जाल में फंस जाती है, कितना भी वो हाथ पैर चलाती है लेकिन वो उस मकड़े के जाल से निकल नहीं पाती। वैसे ही हमारा जीवन हो चुका है। कई लोग यहाँ दुखी होके आए होंगे, कई लोग निराश होके आए होंगे, कितनों को लोगों ने कहा तुम इस सभा में शामिल हो और यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में काम करेंगे, और लोग यहाँ पे आए और लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने इस सभा में शामिल होते होते काम किया। आपने उस एवी खलको की गवाही सुनी, रात में वो भाई उठ उठ के रोते थे, बाथरूम जाने से डरते थे, क्योंकि समस्याओं के सामने वो हार मान चुके थे। वो समझ चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानते थे कि अब ये पाइल्स हो गया, डॉक्टरी दवाई से भी कुछ नहीं हो रहा, तो अब मेरा क्या हो पाएगा। और वो हार मान चुके थे, वो रो रहे थे। कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद कई लोग बहुत ऐसे वैसे कदम उठा लेते हैं, क्योंकि हम उस मकड़े के जाल में फंसे हुए, उस कीट उस पतंग के समान हो चुके होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमें क्या करना, हमें नहीं पता हमें किधर जाना, हमें नहीं पता हम इस समस्याओं से कैसे निकलेंगे, हमें नहीं पता हम इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाएंगे, हमें नहीं पता हमारे पति मेरी पत्नी कैसे सुधरेगी, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे ड्रग्स के उस सेवन से कैसे बाहर निकलेंगे, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उस बेरोजगारी से कैसे बाहर निकलूंगा, मेरे जो नौकरी छिना गए, मैं जो बिजनेस में जीरो हो चुका हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूंगा, मुझे नहीं पता। उस मकड़े के जाल में फंसे हुए उस कीट पतंग के समान हमारा जीवन हो चुका होता, जिस जो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। लेकिन अगर हमारा जीवन वैसा भी हो गया है, तो मेरे प्रिय हमारे पास एक आशा है, और उस आशा का नाम प्रभु यीशु मसीह हैं। आपको वो खींच के निकालेंगे, आपको उस दलदल की कीचड़ में से, उस गिरे हुए स्थान से और मृत्यु की छैया में से वो खींच के निकालेंगे और आपको आशीषित करेंगे। उन्होंने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, लेकिन क्या आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है? उनका हाथ, वो छिदा हाथ जिसमें उन्होंने कील ठुकवा ली है, किसके खातिर? हमारे खातिर। उन्होंने कील ठुकवा ली और उन्होंने वो छीदे हाथ को, वो शक्तिशाली हाथ को आपकी तरफ बढ़ाया, लेकिन क्या हमने अभी तक उनकी तरफ हाथ बढ़ाया? मेरे प्रियो, जब आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, वो आपको उस मकड़े के जाल से, उस शैतान के जाल से, उस दुष्ट आत्माओं के जाल से, उस बीमारियों के जाल से, उस कर्जों के जाल से, उस नशापान के जाल से वो खींच के बाहर निकालेंगे। आप छूट जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे। मेरे प्रियो, एक बाइबल में एक ऐसा ही वाक्या हुआ, और ये वाक्या हुआ इसराइलियों के साथ, और इसराइली जाति जो मिस्र देश में थी, मिस्र देश में इसराइली जाति जो रहते थे, बंधुए होके थे, और मिस्र के लोग बहुत सताते थे उनको, मिस्र के राजा उनको बहुत सताते थे, और गुलामों की जिंदगी ये इसराइली जाति जी रही थी, और ये इनसे नाना प्रकार के काम करवाते थे, मेहनताना नहीं देते थे, पेट भर भोजन नहीं देते थे, और ये इसराइली जो थी मिस्र में बसी हुई थी बहुत वर्षों से, और वहाँ से परमेश्वर ने इनको निकाला। परमेश्वर ने बहुत सारे वहाँ काम किए, आज उस कामों के बारे में हम नहीं जानेंगे, किसी और दिन हम देखेंगे, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक दास मूसा को खड़ा किया और कहा तुम इसको लीड करो, इस मेरे लाखों की जिस प्रजा को, इसराइलियों को तुम लीड करो, और मिस्र से तुम निकाल कर इन्हें कनान देश की तरफ ले चलो। और मूसा जो था वो सारे इसराइलियों को, लाखों की भीड़ को निकाल कर मिस्र से कनान की तरफ बढ़ने लगा। और वहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप ज्योग्राफी भी देखेंगे, आप ज्योग्राफिकल आप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, आप देखेंगे तो आपको मिस्र से बाहर लाल सागर आपको दिखाई देगा। अभी भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, और वो लाल समुद्र था। और जब मूसा और सारे इसराइली बढ़ने लगे तो वो लाल समुद्र के मुहाने पर उसके सामने खड़े हुए, और समुद्र छोटा मोटा नहीं होता मेरे प्रियो, जो समुद्र गए हैं वो लोग जान सकते हैं। हमारे झारखंड के लोग, हम लोग के झारखंड जो है नदियों का प्रदेश है, और जब हम झारखंड से बाहर जाते हैं, उड़ीसा की तरफ जाते हैं, और भी बाहर बाहर जाते हैं, तब हम समुद्र देख पाते हैं, और हम तब देखते हैं ये समुद्र कितना विशाल है, जिसका ओर, जिसका छोर कहीं दिखाई भी नहीं देता।
और तब हम उस परमेश्वर को याद करते हैं। जब समुद्र इतना विशाल है तो इसको बनाने वाला परमेश्वर कितना विशाल होगा। खैर आज वो टॉपिक नहीं है, लेकिन ये इजरायली और मूसा जो इसराइलियों को लीड कर रहा था और इसराइली जो लाखों की संख्या में थे जिनको कनान देश में जाना था और मिस्र और कनान के बीच में ये लाल समुद्र आ गया, लाल सागर आ गया और ये लोग वहाँ पे मुहाने पे थे, वहाँ पे थे और सोच रहे थे कैसे अब हम लोग इसको पार करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तभी क्या हुआ कि मिस्र देश के राजा ने अपने सैनिकों को उन इसराइलियों को फिर से पकड़ने के लिए, उन्हें मारने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया कि ये तो फ्री के बंधु थे ना, फ्री के गुलाम थे मिस्र देश में, ये जो इसराइली लोग थे फ्री के उनके गुलाम थे और गुलामों को कौन छोड़ना चाहेगा। पहले के ज़माने में गुलामी प्रथा थी, आप जिसको गुलाम बना लिए वो जीवन भर आपकी गुलामी करेगा और ये फ्री फोकट के इनको गुलाम मिल गए थे। अब ये जब निकल के जाने लगे तब मिस्र के राजा का दिमाग ठनका और उसने अपने जो सैनिक थे उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए भेज दिया। और जब ये लोग लाल समुद्र के मुहाने पे खड़े थे तब पीछे से इन्होंने क्या देखा कि मिस्र की सारी सेना इनके ऊपर धावा बोलने के लिए आती है। और अब सोचिए उनकी हालत क्या थी, आगे लाल समुद्र जिसको ये तैर के पार नहीं कर सकते। मेरे प्रियो अगर नदियां हैं तो आप तैर के उसको पार कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी नदी को, लेकिन जो लोग समुद्र में गए हैं कभी घूमने के लिए भी आप गए हैं और वहां आप खड़े होके आपने देखा समुद्र को, आप उसको तैर के पार नहीं कर सकते चाहे आप कितने भी अच्छे तैराक क्यों ना हो। अब इनकी हालत सोचिए, ये इसराइलियों की हालत क्या थी, आगे समुद्र है जिसमें अगर बचने के लिए वो उन मिस्रियों से जो उनको मारने के लिए पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जिनसे बचने के लिए अगर समुद्र में जाएंगे तो वहां भी डूब के मर जाएंगे और अगर वो यहीं खड़े रहेंगे समुद्र में नहीं जाएंगे तो मिस्री सेना फिर से आएंगी और कईयों को मार डालेंगी, क्योंकि इन्होंने वहां से जाने का निर्णय लिया, फ्री के बंध हुए थे तो इन्होंने जाने का निर्णय लिया, परमेश्वर ने इन्हें निकाला और इस कारण से ये बहुत क्रोधित थे मिस्री सेना। और अगर वो लाल समुद्र के मुहाने पे खड़े रहते तो क्या होता, वो मिस्री सेना आती, कईयों को मार डालती और बचे हुए लोग को बंधुए बना के वापस मिस्र ले जाती और उनका जीवन पहले से अधिक नारकीय हो जाता, नरकीय हो जाता, उनका जीवन पहले से अधिक दुर्दशा में पड़ जाता। इन ये उसी प्रकार से फंस गए जिस प्रकार कीट पतंगे मकड़ी के जाले में फंस जाती है। ये आगे भी नहीं जा पा रहे थे और पीछे भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो लाल समुद्र है जिसको तैर करके पार करना बहुत 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 मुश्किल है। वहाँ जाने का मतलब है सारे लोग डूब के मर जाएंगे और वहीं खड़े रहेंगे, लाल समुद्र में नहीं जाएंगे तो पीछे से मिस्र की सेना आएगी और कईयों को मार डालेगी और बाकियों को बंधुए बना के ले जाएंगी। क्या आपके साथ ऐसा सिचुएशन कभी आया है मेरे प्रियो? क्या आप ऐसी परिस्थितियों में कभी फंसे हैं कि आप आगे भी नहीं जा पा रहे हैं और पीछे भी नहीं आ पा रहे, आप ऐसे कर्जे में फंस गए हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप निकल नहीं पा रहे, आप ऐसी परिस्थितियों में फंस गए हैं जिससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो गया है, आप ऐसे संकट में फंस गए हैं जो आप निभा भी नहीं पा रहे और उससे छूट भी नहीं पा रहे? क्या आप कभी ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं? क्या आप उस मकड़जाल में कभी फंस चुके हैं? आपके जीवन में भी हो सकता है ऐसी परिस्थितियां आई हो, लेकिन अगर आप वैसे भी परिस्थितियों में फंसे हैं जो आप नहीं, उससे निकल नहीं पा रहे, तो परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप नहीं छूट पाएंगे, आप उस संकट में पड़े पड़े नाश हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामा है वो आपको खींच के निकालेंगे। अब सोचिए मिस्रियों के, इसराइलियों के सामने कैसी परिस्थिति थी कि वो आगे भी नहीं जा पा रहे हैं और पीछे भी नहीं लौट पा रहे, वो वहीं पे स्टक हो गए, मतलब वहीं पे वो जाम हो गए एक तरह से, वो ना आगे जा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे हैं। वैसी परिस्थितियां हमारे साथ भी होती है। और तब क्या हुआ, तब देखिए हम लोग वचन सुनते हैं, तब परमेश्वर ने उनके लिए क्या उपाय किया। हम लोग देखेंगे निर्गमन और उसका 14 अध्याय उसका 13 से 14 पद, देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा और क्या किया। निर्गमन करके बाइबल में एक पुस्तक है और उसमें 13 अध्याय और उसके 14 पद में जब ये ऐसी परिस्थिति में फंस गए तब परमेश्वर ने क्या कहा। और आगे के दिनों में
निर्गमन उसका 14:13-14 हाँ 14 उसका 13-14 में देखिए, मूसा ने लोगों से कहा, हाँ मूसा जो परमेश्वर का वही जन जिसने इसराइलियों को निकाला परमेश्वर की आज्ञा से, वो लीड कर रहा था कनान देश जाने के लिए, और तब मूसा ने कहा, उनसे कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े होकर वह उद्धार का काम यानी वो बचाव का काम देखो। लोगों से मूसा ने कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, वह बचाव का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यीशु मसीह आज तुम्हारे लिए करेंगे। आज का वचन आपके लिए यही है, डरो मत और खड़े होकर वह बचाव का काम देखो, वह उद्धार का काम देखो जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए करेंगे। क्योंकि तुम फंस चुके हो, तुम अपने उस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हो, तुम उस बेरोजगारी में फंस चुके हो, तुम उस पारिवारिक उलझन में फंस चुके हो, तुम उस बीमारी में फंस चुके हो जहां से तुम निकल नहीं पा रहे हो, तुम रात में उठ उठ के रोते होगे, तुम टेंशन में होगे, तुम डिप्रेशन में होगे, तुम बहुत सारी परेशानियों में होगे, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, डरो मत और खड़े खड़े आज वह उद्धार का काम देखो जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए करेंगे। हालेलुया। आगे, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, हाँ जिन बीमारियों को, मिस्री जो थे वो इसराइलियों के शत्रु थे, इसराइली कौन, उस समय के विश्वासी, परमेश्वर पे उस समय विश्वास करने वाले, और ये मिस्री जो थे ये इनके शत्रु थे। आज हमारे शत्रु कौन है, आज हमारे शत्रु बीमारियां है, रोग है, दुख है, और बहुत सारे प्रकार के पारिवारिक उलझने हैं, तो ये हमारे आज बीमारियां हैं। और मूसा ने कहा, क्या कहा, फिर से पढ़ी उस लाइन को, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए, जो यीशु मसीह आज तुम्हारे लिए करेंगे। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन बीमारियों को, जिन दुखों को, जिन तकलीफों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। लेकिन कब नहीं देखोगे, जब यीशु मसीह का तुमने हाथ थामा है तब नहीं देखोगे। आज हो सकता है तुम्हारे जीवन में ये बीमारियां हो, आज हो सकता है जीवन में तुम्हारी ये तकलीफें हो, आज हो सकता है जीवन में तुम्हारे इतने डिप्रेशंस हो, लेकिन अगर यीशु मसीह का तुमने हाथ थामा है तो यीशु मसीह सारे डिप्रेशन, सारे बीमारी, सारे रोगों से तुम्हें निकालेंगे। फिर आने वाले समय में तुम अपने इन शत्रुओं को नहीं देखोगे जो तुम्हें नाश करना चाहते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे? अगर आप विश्वास करते हैं किस पे, प्रभु यीशु मसीह पे, यीशु मसीह आपको खींच के निकालेंगे। और मूसा और इसराइलियों को परमेश्वर ने किस प्रकार खींच के वहां से निकाला, क्योंकि आगे भी जाना उनके लिए असंभव था और पीछे भी लौटना उनके लिए असंभव था, रुके रहते तब भी वो मरते, लेकिन परमेश्वर ने कैसा उपाय किया। देखिए, अगर हम लोग निर्गमन का 14 अध्याय और उसका 21-25 पद देखेंगे तो देखिए परमेश्वर ने कैसा उपाय किया। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई हवा चलाई और समुद्र को दो भाग करके देखिए हाँ समुद्र को क्या किया, समुद्र को ही दो भाग कर दिया। सोचिए, हमारा परमेश्वर समुद्र को दो भाग करने वाले परमेश्वर हैं। आपके जो समुद्र जैसे, जो आपकी परिस्थितियां, खराब परिस्थितियां हैं, जो समुद्र जैसे आपके कर्जे हैं, जो समुद्र जैसे आपके पारिवारिक उलझन हैं, जो समुद्र जैसे आपके डिप्रेशंस हैं, जिसके सामने आप बिल्कुल बौने से नजर आते हैं, आप सोचते हैं मेरे प्रॉब्लम्स तो इतने बड़े हैं, मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा, लेकिन परमेश्वर क्या करेंगे, आपके पर उस प्रॉब्लम को दो भाग कर देंगे। जैसे उन्होंने इसराइलियों के प्रॉब्लम्स को दो भाग कर दिया। इसराइलियों का प्रॉब्लम क्या था, उनको आगे जाना था और आगे समुद्र था। अब क्या करेंगे, वो सोच रहे होंगे कैसे करेंगे, हम तो मृत्यु में चले गए, हम नाश हो गए, हम तो खत्म हो गए, हम तो जहां थे वहीं ठीक थे, लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया, क्योंकि परमेश्वर उपाय करने वाले परमेश्वर है, यीशु मसीह उपाय करते हैं। आप जो सोच भी नहीं सकते ना, वो यीशु मसीह आपके लिए करते हैं। और इनके लिए, इसराइलियों के लिए क्या किया, समुद्र को ही उन्होंने दो भाग कर दिया। सोचिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसी को परमेश्वर ने दो भाग कर दिया। आज आपके प्रॉब्लम्स को भी प्रभु यीशु मसीह दो भाग कर सकते हैं, बिल्कुल वो करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद यीशु। लेकिन क्या आप वो
आश्चर्यकर्म अपने जीवन में देखने के लिए तैयार हैं, उसके लिए तो आपको प्रभु का हाथ पकड़ना पड़ेगा। वैसे ही क्यों करेंगे, सबों के लिए वो दो भाग नहीं करेंगे। सबों के लिए क्या वो समुद्र को दो भाग कर देंगे? नहीं, वो उनके लिए समुद्र को दो भाग करेंगे, वो उनके लिए प्रॉब्लम्स को दो भाग कर देंगे जो उनका हाथ थामेंगे, जो उनसे प्रेम करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे आप मेरे परमेश्वर हैं, आपको मेरे लिए काम करना है क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं। लोग यीशु मसीह को ईसाइयों के परमेश्वर समझते हैं, बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। कहीं भी यीशु मसीह ईसाइयों के परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह मानव जाति के परमेश्वर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, सब प्राणियों का परमेश्वर। अगर आप में प्राण है तो आपके परमेश्वर हैं वो। लेकिन आप बोलेंगे कि ईसाइयों के परमेश्वर है तो वो क्यों काम करेंगे आपके लिए? सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आप अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह आप मेरे परमेश्वर हैं, वो आपके लिए समुद्र को दो भाग में बांटने वाले परमेश्वर ठहरेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को दो टुकड़े कर देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, जब समुद्र को दो भाग कर दिया, आगे पढ़िए, जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हाँ, जिससे कि उसके बीच में, समुद्र के बीच में से सूखी भूमि हो गई। सोचिए, दो भाग समुद्र जो पानी से भरा रहता है, जिसकी थानी होती, समुद्र में कहा जाता है कितने जो टावर्स है हमारे, जो सबसे बड़े पहाड़ है वो भी उसमें डूब जाएंगे, उसका पता भी नहीं चलेगा। एवरेस्ट, कितने एवरेस्ट उसमें समा जाएंगे, उसका पता भी नहीं चलेगा। उस समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग कर दिया और बीच में सूखी भूमि हो गई। और क्या हो गया आगे, तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले। हाँ, देखिए अब क्या हुआ, इजरायली उस समुद्र के बीच जो सूखी भूमि थी उसमें स्थल स्थल होके चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम, जल उनके दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दीवार का काम कर रहा था और बीच से इजरायली जा रहे थे। प्रॉब्लम्स के बीच से प्रभु यीशु मसीह ने उनको बाहर निकाला। प्रॉब्लम सोच रहे हैं क्या, इजरायली ने सोचा हम इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने कितना बड़ा उपाय किया। जो बाइबल बताती है कि जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? और ये पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है, हम लोग निकालेंगे नहीं, लेकिन क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम क्या होता है, वो उसमें स्वार्थ नहीं होता। दुख में, सुख में, हर परिस्थिति में साथ रहना प्रेम कहलाता है। लेकिन दुख दुख में हम दूर रहेंगे और सिर्फ सुख में हम साथ रहेंगे, वो तो आपका स्वार्थीपन होगा। अगर आप प्रभु से प्रेम करते, यीशु मसीह से प्रेम करते और आप कहते कुछ भी हो जाए मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता, मैं यीशु मसीह का हाथ नहीं छोड़ सकता, वो आपका प्रेम कहलाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो आपकी परिस्थिति को भी, जो विपरीत परिस्थिति है, जो समुद्र के समान है, उसको प्रभु यीशु मसीह दो फाड़ कर देने वाले परमेश्वर हैं वो। और जब वो दो भाग कर देंगे, आप स्थल स्थल, आप पैदल वहां से आगे निकल जाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में, मन में भी नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है, वही प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करेंगे। आप विश्वास करते हैं इस बात को? लेकिन उसके लिए तो आपको प्रभु से प्रेम करना सीखना होगा। स्वार्थ के लिए नहीं, प्रभु से प्रेम करने के लिए आइए, प्रभु से प्रेम दिखाइए। और प्रेम क्या है कि कुछ भी हो जाए मैं प्रभु का साथ नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। कई विश्वासी तो अपने गले तक कटा लेते हैं प्रभु के लिए, सोचिए ऐसा भी होता है। वो है प्रेम। क्या आप प्रेम करते हैं या आप सिर्फ स्वार्थ के लिए आए हैं कि मेरा ये वाला काम सिर्फ हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए। एक बहन जो है बहुत वर्षों से प्रभु में यहाँ पे आती थी और वो 2014 से आती हैं, और सभा में जब हमारा प्रार्थना भवन खुला हुआ था, लॉकडाउन वगैरह नहीं लगा था, 2014 से वो आना शुरू की थी और अभी तक वो सिर्फ स्वार्थ के लिए ही आती थी। अभी भी हो सकता वो देख रही होंगी, और हम लोगों ने अब क्या किया, उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया, क्योंकि स्वार्थ के लिए सिर्फ प्रभु के पास आइएगा लेकिन प्रभु में आगे नहीं बढ़िएगा तो फिर हम भी आपके फोन को कितना उठाएंगे। क्योंकि एक दिन में यहाँ तकरीबन 50-60 कॉल्स भी आ जाते हैं और सबका फोन उठाना मुश्किल है। अगर आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो हम भी आपका फोन उठाएंगे, प्रार्थना जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप प्रभु के पास से स्वार्थ से आए हैं तो आपका फोन भी उठाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मेरे प्रियो, प्रभु से प्रेम करना सीखिए, यीशु मसीह से प्रेम करना सीखिए,
क्योंकि यीशु मसीह ने इससे पहले कि आपने यीशु मसीह से प्रेम किया, उन्होंने आपसे प्रेम किया और इतना प्रेम किया कि उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, हमारे लिए लहू बहा दिया, हमारे लिए कोड़े खा लिए, हमारे लिए उन्होंने अपमान सह लिया, सब कुछ सह लिया ताकि हम बच जाए। मेरे प्रियो, जो प्रभु से प्रेम करेंगे उनके लिए ऐसे ही प्रभु उपाय करेंगे। समुद्र को दो भाग में फाड़ने वाले परमेश्वर है, समुद्र को दो भाग करने वाले परमेश्वर है, विपरीत परिस्थितियों को दो भाग में कर देने वाले परमेश्वर है। उन्होंने जब इसराइलियों के लिए किया तो आपके लिए भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इब्रानियों में 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल आज और युगानियों एक से परमेश्वर है। उन्होंने कल समुद्र को दो भाग किया तो आज भी आपके विपरीत परिस्थितियों को वो दो भाग में करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। लेकिन किनके लिए करेंगे? जो उनसे प्रेम करेंगे। सबों के लिए नहीं करेंगे। मेरे प्रेम, मुझसे भी जो प्रेम करेगा मैं भी अपने प्रेम का प्रदर्शन करूंगा। ये हमारे जो है मनुष्य की है ना प्रवृत्ति है। तो आप परमेश्वर से कैसे कह सकते कि हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्वार्थ के लिए आएंगे, लेकिन आप मेरे लिए काम कीजिए। नहीं मेरे प्रेम, अगर आप चाहते हैं आपके विपरीत परिस्थितियों को यीशु मसीह दो टुकड़े कर दें, आपकी विपरीत परिस्थितियों से यीशु मसीह आपको निकालें, तो आपको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना सीखना होगा। जब आप प्रेम करना सीखेंगे, यीशु मसीह आपके लिए भी उसी प्रकार काम करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने इसराइलियों के लिए किया और इसराइलियों के लिए उस समुद्र को दो भाग में कर दिया, क्योंकि वो वहाँ पे रुकते तो पीछे से आके मिस्री सेना उनको मार डालती। और प्रभु ने क्या किया? उस लाल समुद्र को ही दो भाग कर दिया और वो मिस्री सेना से बच गए और वो स्थल स्थल समुद्र के बीच से होके, उस विपरीत परिस्थितियों के बीच से होके वो पार हो गए। किसने सोचा था प्रभु ऐसा काम करेंगे? आपने भी नहीं सोचा होगा यीशु मसीह मेरे लिए ऐसे काम करेंगे। आप जैसा सोचते हैं प्रभु वैसा काम नहीं करते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। आप भी नहीं जानते, अगर आप प्रभु से, यीशु मसीह से सचमुच प्रेम करते हैं तो वो आपके लिए कैसा उपाय करेंगे आप नहीं जानते, कहाँ से उपाय करेंगे आप नहीं जानते, कब आपकी परिस्थिति को बदलेंगे आप नहीं जानते, और जब बदलेंगे आप आनंदित होंगे। हम लोग तो बहुत आनंदित है, क्या आप आनंदित हो पाए हैं? इस आनंद को अगर पाना है प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना सीखिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। तो आइए हम लोग जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे और जो भी आपकी समस्याएं हैं आज यीशु मसीह से बोलिए और बोलिए, प्रभु मुझे आपसे प्रेम करना सिखाइए, मैं संसार की तरफ ना देखूं, मैं मनुष्यों की तरफ ना देखूं, मैं आप सच्चे परमेश्वर की तरफ देखूं और आपके हिसाब से चलूं। देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे और आपके भी विपरीत परिस्थितियों को वो दो भाग में कर देंगे और आपको स्थल स्थल पार करा देंगे। लोग देखते रह जाएंगे और आप पार हो जाएंगे। परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुतायत की आशीष। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। पास्टर भी प्रार्थना करते हैं, आप अपने लिए मांगिए, जो भी आपकी समस्याएं आप मांगिए, देखिए यीशु मसीह आपको आपके जीवन में काम करेंगे। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के इन वचनों से आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले और परमेश्वर अपने अनुग्रह को अपने दास पर और अधिक रखें कि वो आगे भी इसी तरह से हम तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचा पाए। तो ये समय है, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, अपने आँखों को प्रत्येक बंद कर लेंगे। आप जहाँ कहीं से भी हैं, आप तकलीफ़ों में हैं, आप दुर्बलताओं में हैं, यदि आप बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, डिप्रेशंस में हैं, आपके पारिवारिक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, ये समय है जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे और आपके लिए प्रार्थना होगी और यीशु मसीह आज आपके जीवन में भी अपने सामर्थ को प्रकट करेंगे। तो ये समय है, मेरे पीछे आप प्रार्थना करेंगे, जितने चाहते हैं कि यीशु मसीह आज आपके जीवन में भी काम करें, आप भी गवाहियों के साथ खड़े हों। आप यदि चाह रहे हैं तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे इस प्रार्थना को रिपीट करेंगे और कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। जब तक प्रार्थनाएं होंगी तब तक आँखों को बंद रखेंगे। आप आपस में भी बातचीत नहीं करेंगे। यदि आप परिवार में बैठे हैं आप इधर उधर घूमना छोड़ दें, आप बिल्कुल स्थिर हो जाएं ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में आज के दिन काम करें अपने सामर्थ्य के द्वारा, वो आपके जीवन में छुटकारा को दें। जितने इस घड़ी मेरे साथ जुड़े हैं सब मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह,
जय प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं, हम सबों पर आप दया कीजिए, आप दया कीजिए। यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से हम सबों को आप शुद्ध कीजिए पवित्र कीजिए हमारे जीवन से हर एक दुखों को तकलीफों को आप दूर कीजिए यीशु मसीह हमारे जीवन से हर एक कष्टों को आप दूर कीजिए प्रभु यीशु मसीह हमने आपके वचनों को सुना है इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित कीजिए इन वचनों को हम समझ पाए और इसके अनुसार चलने में आप हमारी अगुवाई कीजिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति होने पाए हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए यीशु मसीह हम सबों को अपने संतान होने का अधिकार दीजिए ताकि हम भी आपकी महिमा के लिए खड़े हो पाए हमारे जीवन में सारे तकलीफों को आप दूर कीजिए और अपने चंगा करने वाले हाथ को हम पर बढ़ा दीजिए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए आमीन। प्रत्येक अपने स्थानों में स्थिर रहेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और आपके जो भी समस्या है, आपके जो भी तकलीफ है, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसे अपने मन में रखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और सबकी समस्या अलग हैं, इसलिए सब अपने अपने मन में अपने समस्याओं को रखेंगे। यदि आपके सर में दर्द है, आप यीशु मसीह के सम्मुख रखें, प्रभु यीशु मसीह मेरे सर में दर्द है, और जब प्रार्थना होगी, यीशु मसीह आज आपके उन दर्द को चंगा करेंगे। उसी तरह से आपके जो भी समस्या है, यदि आप फाइनेंशियली क्राइसिस में हैं, कर्जों में फंसे हैं, आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं, यदि आप बहुत सारे मानसिक ऐसे परेशानियों से गुजर रहे हैं, डिप्रेशंस में हैं, असफलताओं में गुजर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारे केस मुकदमे हैं, आप इन सब बातों को भी यीशु मसीह के सम्मुख रखें और बिल्कुल स्थिर रहेंगे। जब तक प्रार्थनाएं चलेंगी, आप यीशु मसीह के नाम को लेते रहें और यीशु मसीह आज आपके लिए काम करेंगे। और आप ये भी कहें कि प्रभु यीशु मसीह, जब आप हमारे लिए काम करते हैं, हमें तैयार कीजिए कि हम आपकी गवाहियों को यहाँ टाइप करने पाएं, और देखिए आपके जीवन में किस तरह से यीशु मसीह काम करते हैं। और अंत में, चाहे आप नए हों, पुराने हों, आज पहली दफ़ा भी आप जुड़े हैं, अंत में मेरे साथ आप आमीन जरूर बोले, ताकि आपके विश्वास को यीशु मसीह सुन पाए। प्यारे यीशु मसीह, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए जो आपने अपने लोगों पर किए हैं। मेरे यीशु, इस घड़ी हम मांगते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ को पुकारते हैं, आपके पवित्र आत्मा को हम निमंत्रण देते हैं। मेरे नासरी यीशु, अपने भले आत्मा के द्वारा आप प्रत्येक लोगों को जो इस आराधना में जुड़े हुए हैं, जहां कहीं से भी जुड़े हैं, प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप छू लीजिए। यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं उनको भी आप छू लीजिए जो बाद में इस आराधना को सुनते हैं, इस आराधना के रिकॉर्डिंग्स को प्रभु वे सुनते हैं, आप उन्हें भी अपने भले आत्मा के द्वारा छू लीजिए। मेरे यीशु, अपने पवित्र लहू का छिड़काव कीजिए और जितने इस घड़ी इस आराधना में बने हैं, उन प्रत्येक पर अपने पवित्र लहू का मुहर लगा दीजिए, और तमाम बंधन, रोग के बंधन, दुर्बलताओं के बंधन यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के दुर्बलताओं को यीशु नाम से दूर करते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु नाम से दूर करते हैं, हर एक अविश्वास की बातों को यीशु नाम से दूर करते हैं। मान परमेश्वर, लोग प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपके सम्मुख आए हैं,
एक एक के विश्वास के बढ़कर प्रभु आप उनके लिए काम कीजिए। मेरे यीशु, इनके जीवन में आपकी दया होने पाए, अपने मुख का प्रकाश आप इन तमाम लोगों पर चमका दीजिए कि प्रभु यीशु ये आज के दिन से स्वतंत्र हो जाए। हर एक तरह के जितने भी शारीरिक कष्ट और दुर्बलताएं हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, यीशु के नाम से उन्हें आज्ञा दे रहे हैं, निकलकर अधलोक में चला जा। यीशु के नाम से तमाम बीमारियों को, रोगों को, हर एक तरह के समस्याओं को यीशु नाम से अधलोक में डालते हैं। जितने भी दर्द हैं, शारीरिक कष्ट हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। शरीर में जितने भी दर्द हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के शारीरिक कमजोरियों को यीशु नाम से दूर करते हैं। शरीर के जितने भी कमियां हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। इस घड़ी प्रभु हम आपके हाथों में इन तमाम लोगों को सौंपते हैं, जैसा इनका विश्वास है प्रभु आप इनके विश्वास से बढ़कर काम कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। आज के वचन के अनुसार प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो काम परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे सब कुछ हो सकता है। और इस वचन को हम क्लेम करते हैं, इस वचन को प्रभु हम स्मरण करते हैं। अपने लोगों के लिए अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा दीजिए। जिस तरह से आपने इसराइलियों के लिए काम किया, उसी तरह से आज के इस युग में भी आप इन तमाम लोगों के लिए काम कीजिए। और इनकी बीमारियां जो लंबे वर्षों से हैं, प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमारियां दूर होने पाए, हर एक तरह के कष्ट दूर हो जाने पाए, हर एक तरह के बुरे लत यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के लड़ाई झगड़े यीशु नाम से मिट जाने पाए, हर एक तरह के जितने भी असफलताएं हैं वो दूर होने पाए, हर एक डिप्रेशन यीशु नाम से दूर होने पाए, जितने भी मानसिक बीमारियां हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए, हर एक तरह के पागलपन के अटैक्स यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के जितने भी मिर्गी के अटैक्स है यीशु नाम से दूर होने पाए, यीशु नाम से हर एक तरह के जितने भी डिप्रेशन की बातें हैं वो इसी घड़ी से दूर होने पाए, हर एक तरह के सर दर्द को, माइग्रेन के तकलीफों को यीशु नाम से दूर करते हैं, हर एक तरह के साइनस के तकलीफों को यीशु नाम से दूर करते हैं। मेरे मालिक यीशु, न्यूरो से जुड़े हुए जितने भी रोग और बीमारियां हैं आप उन्हें छुटकारा दीजिए, यीशु के नाम से उस तमाम बीमारियां धलोक में जाने पाए। सर के हर एक नस में जो भी तकलीफ है, क्लॉटिंग्स हैं, ब्रेन हेमरेज के तकलीफें हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। ब्रेन फीवर है, यीशु नाम से वो इसी घड़ी दूर होने पाए। महान परमेश्वर अपना छिदा हाथ बढ़ा दीजिए और एक आंखों की दुर्बलताओं को यीशु नाम से दूर करते हैं, आंखों के जलन को, आंखों में जो भी पानी आने की समस्या है यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। इसी घड़ी यीशु नाम से जितने भी आंखों के रोशनियों की कमी है यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। प्रभु इनके आंखों को आप छू लीजिए, इन्हें चंगा कीजिए, हर एक तरह के कानों के बहरेपन यीशु नाम से दूर होने पाए, कानों के हर एक खुजलियां यीशु नाम से दूर होने पाए, लंबे समय से जो कान बहने के रोग हैं, इन्फेक्शंस हैं जो डॉक्टरों के द्वारा भी ठीक नहीं हो रहे हैं यीशु नाम से वो इस घड़ी दूर होने पाए, इनके कान इसी घड़ी से नॉर्मल होने पाए। और यीशु अपने नाम के द्वारा इन्हें छुटकारा दीजिए, हर एक तरह के जितने भी मुंह के छाले हैं, हर एक तरह के मुंह के अल्सर हैं यीशु नाम से दूर होने पाए, दांतों के दर्द, हर एक तरह के मुंह के जितने भी जुड़े हुए समस्याएं, पायरिया के रोग है यीशु नाम से दूर होने पाए, टॉन्सिल्स यीशु नाम से दूर होने पाए, थ्रोट इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के जो भी गले के तकलीफ हैं यीशु नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए। मान परमेश्वर अपने सामर्थ को आप प्रकट कीजिए, और हर एक तरह के सांस लेने में जो तकलीफें हैं
यीशु नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी लंग्स के तकलीफ हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। अस्थमा के जितने भी अटैक्स हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। मौसम की गड़बड़ियों के द्वारा भी जो भी तकलीफें हो रही हैं अस्थमा के, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक बंधन यीशु नाम से टूटने पाए। जितने भी फीवर हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। मलेरिया और टाइफाइड की बीमारियां, जॉन्डिस यीशु नाम से चंगे होने पाए। डेंगू के हर एक तरह की बीमारियां यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के लिवर की तकलीफ, किडनियों की तकलीफ यीशु नाम से चंगे होने पाए। लिवर के हर एक सूजन यीशु नाम से चंगे होने पाए। किडनियों में जो इन्फेक्शंस हैं, क्रिएटिनिन बढ़ गए हैं, यीशु नाम से वो नॉर्मल होने पाए। किडनियों में जो दाग हैं यीशु नाम से वो सारे दाग दूर होने पाए। लिवर के दाग यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पेट के जितने भी रोग, बीमारी, दुर्बलताएं हैं, दर्द हैं, गांठें हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के पेट के गोले यीशु नाम से दूर होने पाए। पेट से जुड़े हुए जितने भी रोग, बीमारी हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी प्रभु तकलीफ हैं पाइल्स के, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। यीशु, आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हैं, आप इन पर अपना छिदा हाथ बढ़ा दीजिए और पेट के हर एक घाव यीशु नाम से रिकवर होने पाए। हर एक कैंसर, एड्स यीशु नाम से दूर होने पाए। टीबी के रोग यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी दर्द हैं पेट में यीशु नाम से इसी घड़ी दूर होने पाए। महान परमेश्वर, अपने सामर्थ्य के द्वारा इन्हें छुटकारा दीजिए। हर एक गैस्ट्रिक के समस्या यीशु नाम से दूर होने पाए। लंबे समय से जितने भी जलन है पेट के यीशु नाम से वो दूर होने पाए। उल्टियों की समस्या यीशु नाम से दूर होने पाए। जो खाना बारी बारी पचते नहीं है यीशु, आप उन्हें भी चंगा कीजिए। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभु इस घड़ी आप छू लीजिए और अद्भुत रीति से प्रभु यीशु ये बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए। जो काम डॉक्टरों से नहीं हो सकता, जो काम मेडिसिन से नहीं हो सकता, यीशु नाम से ये सारे तकलीफ दूर होने पाए। मान परमेश्वर, हर एक तरह के जितने भी स्वेलिंग्स हैं शरीर में आप उनसे छुटकारा दीजिए। अर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट्स हैं यीशु नाम से वे चंगे हो जाएं। जोड़ों के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी कमर के दर्द हैं, घुटनों के दर्द हैं, रीढ़ की हड्डियों के दर्द हैं, कंधों के दर्द हैं, हर एक तरह के जितने भी दर्द यीशु नाम से इसी घड़ी दूर होने पाए। मांसपेशियों के हर एक खिंचाहट दूर होने पाए। नस से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के पार्किंसन के रोग इसी घड़ी यीशु नाम से दूर होने पाए। अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आप इन पर अनुग्रह कीजिए और ये अपने जीवन में, अपने शरीर में बदलाहट देखने पाए। हर एक पैरालिसिस पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे होने पाए। हर एक ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो लंबे समय से बिस्तरों में हैं, व्हीलचेयर में हैं, यीशु आप इन्हें खड़ा कीजिए। जो आईसीयू में पड़े हैं, जो वेंटिलेटर्स में हैं, उन्हें जीवन दान दीजिए। हॉस्पिटल्स में पड़े हैं प्रभु, उन्हें चंगा कीजिए। जो इस घड़ी प्रभु इस आराधना को सुन रहे हैं, उन हर एक सुनने वालों के जीवन में चमत्कार होने पाए, उन सुनने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे अपने आंसुओं को आपके सम्मुख रखे हैं, उनके आंसुओं को आप पोंछ डालिए। जो अपने परिवारों के लिए प्रभु आपके सम्मुख चिंतित हैं, प्रभु यीशु उनके परिवारों के सदस्यों की सुधि लीजिए। बुरी संगतियों से बचाइए, बुरी आदतों से छुटकारा दीजिए। हर एक लड़ाई झगड़े यीशु नाम से मिटने पाए।
हर एक तरह की अशांतियां दूर होने पाए, बुरी आदतें, नशा पान की बुरी आदतें यीशु नाम से दूर होने पाए। मान परमेश्वर आप इन प्रत्येक को छुटकारा दीजिए, हर एक दुर्बलताएं जो शारीरिक अन्य शारीरिक दुर्बलताएं हैं जो लोग प्रभु किसी से शेयर नहीं कर सकते, उन हर एक दुर्बलताओं से छुटकारा दीजिए। हर एक तरह के यूट्रस के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक यूट्रस से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, बीमारी हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए, हर एक फाइब्रॉइड्स, हर एक सिस्ट, हर एक तरह के ग्लैंड्स यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के हार्ट डिजीज यीशु नाम से चंगे होने पाए, छाती के जलन यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के चेस्ट के जितने भी दर्द हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु मसीह नासरी, कई एक के प्रभु निवेदन है प्रभु उनके शरीर में खून नहीं बनते हैं, हर एक थाइलीसीमिया के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे होने पाए, इसी घड़ी यीशु नाम से इनके हेमोग्लोबिन नॉर्मल होने पाए, और प्रभु यीशु इन्हें जो बारी बारी ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है आप इस तकलीफ से भी इन्हें छुटकारा दीजिए, ताकि बड़ी गवाहियां होने पाए। यीशु नाम के द्वारा सुधी लीजिए, यीशु नाम के द्वारा इन्हें आशीषित कीजिए और इस बड़े रोग से इन्हें छुटकारा दीजिए। बहुत सारे बहनें बैठी हैं प्रभु यीशु, बहुत सारे दंपति बैठे हैं जो प्रभु संतान प्राप्ति चाहते हैं, आप इन पर भी दया कीजिए, इनके दुखों को दूर कीजिए और प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य हाथ इन पर बढ़ा दीजिए, और यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ के द्वारा ये आशीषित होने पाए और प्रभु समय से एक स्वस्थ संतान को प्राप्त करने पाए। बहुत सारी बहनों को आपने इस आराधना में जुड़ने के द्वारा आशीषित किया है प्रभु, आप उन प्रत्येक बहनों को पूरे 9 महीने संभालिए, आशीषित कीजिए और समय से एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होने पाए। महान परमेश्वर आपने अनुग्रह किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारे लोगों ने अपने विवाह के लिए निवेदन रखा है, अच्छे जोड़ों को दीजिए, अच्छे जीवन साथी को दीजिए जो आपकी ओर से होने पाए, और जितने लोगों के विवाह में रुकावट है यीशु नाम से वो दूर होने पाए। आन परमेश्वर आपने कई एक के लिए काम किया, कई एक घरों को आपने बसाया है, आप इनके लिए भी काम कीजिए, टूटते परिवारों को जोड़ दीजिए, टूटते रिश्तों को जोड़ दीजिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। इस वचन के द्वारा आज के दिन कई टूटते परिवार जुड़ने पाए, कई बड़ी गवाहियां आज के दिन आने पाए। मेल और प्रेम को दीजिए, बुरी संगतियों से प्रभु इनके बच्चों को छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह नासरी, बुरी आदतों से छुटकारा दीजिए, जवानों को संभालिए प्रभु यीशु मसीह, सफलता दीजिए, असफलताओं को दूर कीजिए, जितने काम जो रुके पड़े हैं सब कामों का पूरा कराइए। बहुत सारे लोगों ने अपने निवेदन रखे हैं प्रभु, उनके पैसे बहुत जगह फंसे हुए हैं, खोए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, उन रकमों को इनके हाथों में फिर से आप दिलाइए। जो पैसे डूब चुके हैं प्रभु यीशु, अद्भुत काम कीजिए, मार्ग बनाइए, और प्रभु यीशु वे बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे कर्ज हैं, आप उस कर्ज से भी छुटकारा दीजिए। बहुत सारे लोगों की परिस्थितियां बहुत नाजुक हैं, प्रभु यीशु मसीह उन परिस्थितियों को बदल डालिए, हर एक परिस्थिति को अनुकूल कीजिए मेरे नासरी यीशु, और जितने पढ़ने वाले बच्चे और जवान जुड़े हैं प्रभु यीशु, एग्जाम्स दे रहे हैं बहुत सारे, अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके जीवन में भी अनुग्रह कीजिए, ज्ञान और बुद्धि दीजिए, सफलता दीजिए, क्योंकि सफलता की कुंजी आप हैं, जितने आपको थाम लेते हैं प्रभु वे अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने पाए। लोगों के परिश्रम में आप आशीष दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे अपने नौकरियों के लिए परेशान है, बिजनेस के लिए परेशान है, प्रभु यीशु मसीह आप उनके लिए भी उपाय कीजिए, आय के स्रोतों के लिए उपाय कीजिए प्रभु यीशु, बेरोजगारियों को दूर कीजिए, परिवारों को संभालने के लिए आप प्रभु आशीषित कीजिए। महान परमेश्वर और भी तमाम निवेदनों को लोगों ने अपने मन में रखा है, और
महान परमेश्वर, आप मन की इच्छाओं को भी पूरी करने वाले परमेश्वर हैं, आप जागृत ईश्वर हैं, और आपके लिए प्रभु यीशु कोई भी काम कठिन नहीं। इन वचन को आपने आज के दिन लोगों के लिए पूरा किया, इस सेवा को आशीषित कीजिए, हम दोनों को प्रभु अभिषेक कीजिए, और महान परमेश्वर जहाँ तक आप चाहते हैं, जिन तक आप चाहते हैं, इस सेवा को, इस वचनों को आप पहुँचने में सहायता और मदद कीजिए। तमाम जितने लोग जुड़े हैं, सबों को आपके लहू की सुरक्षा में सौंपते हैं। महान परमेश्वर, जवानों को संभालिए, बच्चों को संभालिए, बुजुर्गों को संभालिए, मनुष्य और पशु की रक्षा कीजिए, और प्रभु आने वाले हर एक विपत्तियों से, दुर्घटनाओं से, समस्याओं से, और हर एक तरह की बीमारियों से लोगों की जो आप पर विश्वास कर रहे हैं, रक्षा और रखवाली कीजिए, और हर एक को दीर्घायु से तृप्त कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। ठीक है, हम लोग कुशलता से विदा होंगे, और फिर से अनाउंसमेंट दोहरा दे रहा हूँ, रांची में इस संडे चर्च नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। और दूसरी बात है, इस संडे जो ये जो संडे है, इस संडे लोहरदगा में पास्टर जाएंगी, तो जो लोग लोहरदगा में जमा होते थे चौथे संडे, इस संडे सेकंड संडे में, ये वाले संडे को 9 तारीख जो संडे पड़ रहा है, उस दिन लोहरदगा में जमा होंगे सारे लोहरदगा चर्च के लोग। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, सारे लोहरदगा चर्च के लोग 9 तारीख में सारे लोग लोहरदगा चर्च में जमा होंगे। और अभी उसके बाद अगले संडे जो है मांडर चर्च में, जो थर्ड संडे में जमा होते हैं, वो लोग थर्ड संडे में वहाँ मांडर चर्च में जमा होंगे। और देखते हैं चौथा संडे हम लोग प्रभु भोज के लिए, अगर तब तक गवर्नमेंट का सारा रूल रेगुलेशन आ गया, तो चौथा संडे हम लोग प्रभु भोज के लिए रांची चर्च में फिर जमा होंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, अभी इस संडे रांची चर्च के लोग जो भी हैं अभी चर्च नहीं आएंगे। शाम में हर एक ट्यूसडे और संडे ऐसे ही शाम में आराधना चलेगी, अभी जब तक गवर्नमेंट का अगला जो आदेश नहीं आता तब तक अभी चर्च बंद रहेगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान देंगे, जो जिनको प्रार्थना कराना है, 4 सभा आप देखिए, जो लोग पहली बार आए हैं, जो लोग निवेदन दे रहे हैं, आप चाहते हैं आपके जीवन में यीशु मसीह काम करें, 4 सभा नियमित रूप से देखिए, लाइव सभा ट्यूसडे और संडे। उसके बाद आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक है, जिनको जो समय दिया जाता है उसी समय में फोन करेंगे। बीच में रिकॉर्डिंग्स भी आप देखिए, आप बीच में सारे रिकॉर्डिंग सेशन को भी आप देखिए, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। तो सभी को जय मसीह की।